हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो फाइनली अज आप लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। सो खुश हो जाओ। ओके, आई होप थोड़ी ए सीरीज़ के नाल हिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके दे नाल कवर हो गई होगी पीपीएससी के पुराने क्वेश्चंस के नाल नाल। सो जेडे भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये पार्ट नू देख रहे हैं, पिछले 12 पार्ट्स जरूर जरूर देखो, थोनू बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा पेपर दे विच। ओके, जिन्होंने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, तो बैल आइकन नू क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम थोनू मिल दिया रहन। तो जिन्होंने लगता है कि उन्होंने वीडियोज़ देखने दे नाल फायदा हो रहा है, वीडियोज़ नू लाइक जरूर करो। सो अज दे सब तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है कि किन्ना ने ते कदों दिता सी स्लोगन डू और डाई दा। ओके, नैक्सट है अपने कोल जिहड़ा क्वेश्चन, वह शिमला कॉन्फ्रेंस ते एक इंडियन नेवी रिवोल्ट होया सी उहदे रिगार्डिंग है। उस तो बाद अपने कोल नैक्सट तो क्वेश्चन है कि आपां ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच चीज़ां नू या इवेंट्स नू अरेंज करना है। ओके, नैक्सट फिर उस तो बाद जिन्ने भी अपने कोल क्वेश्चन है वह सारे अलग अलग लीडर्स के बारे हैं। ठीक है, कोई न्यूज़पेपर के बारे, कोई स्लोगन के बारे, कोई उन्होंने नाम जिन्हों जाने जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये सारे क्वेश्चन हम आप डिस्कस करा एक एक करके। ओके, सो अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो इन्ने सारे क्वेश्चन हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले लैक्चर के आप गल की सी कराची सैशन की। ओके, अज हूँ आप तो अगे डिस्कस करा। हूँ चलते हैं आप 1945 के, बस इंडिया नूं आजादी अज आप दिला के ही दम लवेंगे। ओके, सो 1945 दे विच की होया, 1945 च एक होर प्लान आंदा है। उस टाइम ते जिहड़े लॉर्ड सॉरी वॉइस राय सी ओह सी लॉर्ड वेवल। ओके, लॉर्ड वेवल की करदे आ, इह बेसिकली शिमला दे विच लॉर्ड वेवल दैट इज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं रिप्रजेंट कर रहे होंदे आ, मुस्लिम लीग ते इंडियन नैशनल कांग्रेस, इह तिन्हां दी मीटिंग हुंदी है। कित्थे हुंदी है? शिमला दे विच। ठीक है, सो जिहड़ी मीटिंग जो कि शिमला दे विच हुंदी है 1945 दे विच, तां इस नूं ही शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलदे आ। ओके, ते इस चीज़ नूं ही कई बार किते किते वेवल प्लान भी लिखिया हुंदा है। ओके, शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों? बिकॉज शिमला च होई सी, ते वेवल प्लान क्यों? बिकॉज लॉर्ड वेवल ने पार्ट लिता सी ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रिप्रजेंटेटिव बन के। ओके, वेवल प्लान, सो ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। ओके, वेवल प्लान च की गल की गई सी उहनूं डिटेल्स तुसीं खुद स्टडी कर लियो। सो हुण नैक्सट इवेंट की गल करते हैं। 1946 दे विच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होया, और इवेंट का नाम से म्यूटिनिटी ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग। ओके, हुण थोड़ा जिहा आपां इस म्यूटिनिटी बारे डिटेल च डिस्कस करते हैं, बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, बिकॉज उहदे उपर ना क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो फाइनली की सीगा, एक तरीके का रिवोल्ट सी। ठीक है, जो कि इंडियन नेवल रेटिंग्स ने किया सी। जिहड़ा वर्ड रेटिंग है ना, रेटिंग की है बेसिकली, ये एक तरह की डेजिग्नेशन है। ठीक है, जो सेलर्स नूं दित्ती जांदी है, जो ऑफिसर्स है नीचे, ऑफिसर्स है ना उन्होंने नीचे जिहड़े सेलर्स है उन्होंने एक डेजिग्नेशन के नाल रिप्रजेंट किया जाता है जिन्होंने बोलते हैं रेटिंग। ओके, सो की होया उन्हें म्यूटिनिटी क्यों हुई? बिकॉज जिन्हें भी इंडियन रेटिंग सीगे, ठीक है, ऑफिसर्स उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार करते सी, उन्होंने अच्छी एकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाती सी, ना ही अच्छी वेजिस वगैरह दी जाती सी। सो इस चीज़ तो तंग आके फाइनली जिहड़े इंडियन नेवल रेटिंग सी उन्होंने सब तो पहला प्रोटेस्ट की, स्ट्राइक की। ठीक है, तो कदों स्टार्ट हुई सी? ये बेसिकली स्टार्ट हुई सी जिहड़ी स्ट्राइक बॉम्बे दे विच। ठीक है, बॉम्बे हार्बर तो स्टार्ट हुई सी, तो दी डेट हैगी है 18 फरवरी 1946। ओके, सो जिहड़ी चीज़ है, जिहड़ी म्यूटिनी है या जिहड़ी रिवोल्ट है, वह एक स्ट्राइक की तरह स्टार्ट हुई बॉम्बे तो। ओके, हौली हौली जिमें देखो पहला तो बॉम्बे दे रेटिंग्स इन्हां नाल मिले, उस तो बाद जिमें जिमें फैलती रही। ठीक है, फिर कराची तो, कैलकटा तो, कोचीन तो जिहड़े रेटिंग सी उन्होंने भी ये जिहड़ी म्यूटिनी सी इहनूं ज्वाइन कर लिया। ओके, सो ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ हो गए। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, वो कमांडर्स बोलेंगे, वो ऑफिसर्स बोलेंगे। ठीक है, जिन्हां दे नीचे सब काम कर रहे सी बुरी कंडीशनस दे विच, सो इन्होंने उन्होंने खिलाफ आवाज़ उठाई। ओके, एक होर गल याद रखनी है, देखो
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਖਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਖਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਇਲ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਊਟਨੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1946 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟਲੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੇਨ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੋਰੈਂਸ, ਨੈਕਸਟ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਸੋਰੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੇਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਜੈਕਟਿਡ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰ ਅ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗਿਸਲੇਚਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਗਿਸਲੇਚਰਸ ਵੁੱਡ ਇਲੈਕਟ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੋਮੀਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਸਤ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਗਸਤ 1946 ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਤੰਬਰ 1946 ਦੀ।
ओके सितंबर 1946 इलेक्शंस क्योंकि हो गए, सो इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई. ओके इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई. इफ ए गवर्नमेंट दे विच ना तुसी याद रखियो कि केड़े मिनिस्टर नू केड़ा पोर्टफोलियो दिता गया सी, ओदे उपर क्वेश्चंस आंदे रहंदे आ. ओके इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ते जिहड़े इंटरिम गवर्नमेंट बनी इहदे इहनू हैड किने किता, जवाहर लाल नहरू जी ने. जवाहर लाल नहरू ओके इन्होंने जिहड़ी इंटरिम गवर्नमेंट बनी सी उहनू हैड किता. उस तो बाद हुणे गल कीती सितंबर 1946 दी, सो इस तो बाद गल करते हैं 9 दिसंबर 1946 की. इस दिन की होया सी जिहड़ी कांग्रेस सॉरी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैम्बली बनी है, ठीक है, इसका फर्स्ट सैशन ऑर्गेनाइज किया गया सी. ओके बट इनू मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया सी. ओके ये भी चीज़ याद रखनी है. सो नैक्सट गल करते हैं, हुण चलते हैं 1947, ठीक है, आज़ादी के बहुत ही ज़्यादा नेड़े पहुँच गए. फैब 1947 की होया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले ने डिक्लेयर किया कि जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले ने की डिक्लेयर किया कि जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह इंडिया नू छाड़ देंगे बाय 30 जून 1948 तक. ओके ये चीज़ तुसी याद रखनी है, कई बार ये उपर भी क्वेश्चंस पूछ लेंदे हैं. 30 जून 1948 तक वो इंडिया नू छाड़ देंगे. ओके इस तो बाद एक तुसी होर इवेंट छोटा जिहा याद रखना है, 27 मार्च 1947 दा, इस दिन मुहम्मद जिन्ना ने सैलीब्रेट किया पाकिस्तान डे. ओके इस दिन नू मुहम्मद जिन्ना ने सैलीब्रेट किया एज पाकिस्तान डे. नैक्सट गल करते हैं, अगला इवेंट अपने को होया 3 जून 1947. ओके इस दिन माउंटबेटन एक प्लान दिता, ठीक है, इहदे विच बेसिकली की कहा गया कि इंडिया की पार्टीशन की जाऊगी, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इंडिया की पार्टीशन के लिए माउंटबेटन प्लान आया सी, ठीक है. तो इन्होंने ये की कहा गया कि जिहड़ी पावर है वह इंडियंस के हाथ कद तक दे दी जाऊगी, 15 अगस्त तक. ओके 15 अगस्त 1947 तक इंडियंस नू मतलब पावर दे दी जाऊगी. ओके सो हुण आपां गल करते हैं लास्ट इवेंट दी, वो हैगा 15 अगस्त 1947. ओके इस दिन क्यों है सी इंडिपेंडेंस डे, आप इस दिन सैलीब्रेट करते हैं ना. सो इस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नू इंप्लीमेंट किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नू इस दिन इंप्लीमेंट किया गया. ओके फाइनली ते इहदे नाल की होया कि जिहड़ी ब्रिटिश पार्लियामेंट दी कब्जा सीगा ना इंडिया उपर, उत्थों छुटकारा मिल गया इंडिया नू. ओके ते इहदे नाल ही इंडिया ते पाकिस्तान दी डोमिनियन नू क्रिएट किया गया सी. ओके सो फाइनली इंडिया नू आजाद करता. हुण आपां देखदे हां क्वेश्चंस. सो इहदे विच की है कि डू और डाई दा जिहड़ा स्लोगन है उह किन्हां ने दित्ता सी ते कदों दित्ता सी. जिहड़ा इह स्लोगन है दित्ता सी महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट दे दौरान. ओके याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. नैक्सट देखो इहदे विच कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन वॉज अ वॉइस रॉय वैन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस. कि यह स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है, थोनों हमने दसा है कि उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं या फिर वेवल प्लान बोलते हैं. सो उस टाइम पर वाइस रॉय कौन सी, लॉर्ड वेवल ना कि लॉर्ड माउंटबेटन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड है इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 टुक प्लेस वैन द इंडियन सेलर्स इन द रॉयल इंडियन नेवी एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दसा से ना कि पहला बॉम्बे तो स्टार्ट हुई दैन कराची तक भी पहुंच गई सी. सो ये चीज़ ठीक है. हुण उन्होंने की पूछा कि केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है, पहली तो गलत है, करैक्ट केड़ी है, बी. सो आंसर इज बी. ओके नैक्सट देखो हुण इहदे विच कुछ इवेंट्स हैं, इन्हां नूं आपां ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच लगाना है. अगर आपां क्रिप्स मिशन की गल करिए, क्रिप्स मिशन 1942 च आया, उस तो बाद गांधी इरविन पैक्ट 1931 च,
ਦੈਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1928 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੀ 1947. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆਊਗਾ, ਓਕੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਊਗਾ 1931 ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਆਊਗਾ, ਦੈਨ ਫੋਰਥ. ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ. ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ 1945 'ਚ ਆਇਆ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ. ਦੈਨ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ 1931, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1940, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੌਮੀਨਲ ਅਵਾਰਡ 1932. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 1932 'ਚ ਕੌਮੀਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫਾਸਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਆਊਗਾ? ਥਰਡ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਕੌਮੀਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲਾ, ਓਕੇ, 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ. ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਆਊਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਊਗਾ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ. ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਏ. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਡ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਸੱਤਿਆ ਮੂਰਤੀ. ਓਕੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਫਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ. ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦੇਖੋ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰਾਲਡ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰੀਜਨ, ਓਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ. ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਨੇ. ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਊਂਡਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਟਾਈਟਲ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਨੋਨ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ. ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੋਨ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇਸਰ ਏ ਹਿੰਦ. ਓਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਓਕੇ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੌਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ. ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਫ ਨੇਕਡ ਸੇਂਟ. ਓਕੇ, ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਫਰੈਂਕ ਮੋਰਸ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਐਸ ਕਨਸਾਈਸ ਕੀਪਰ ਆਫ ਗਾਂਧੀ ਜੀ. ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਨਸਾਈਸ ਕੀਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਚਾਰੀ. ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
सेक्रेटरी कौन सी? महादेव, देसाई। ओके, तो गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किन्ना नूं मानते सी? गोपाल कृष्ण गोखले जी नूं। कई बार ऐसे चीज़ों के उपर भी क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं, इसलिए ये नाम भी तुसी याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्ना नूं बोला जाता है? बी, दैट इज सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग परसनैलिटीज इज नोन बाय नेम गुरुदेव? गुरुदेव कह के किन्ना नूं सम्मानित किया जाता है? सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी नूं। और तो बाद स्लोगन है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, किन्ना ने दिता सी? ये दिता सी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ओके, नेक्स्ट है, द स्वराज ऑफ टूडे इज विद इन द एम्पायर एंड नॉट इनडिपेंडेंट ऑफ इट। किन्ना ने ये चीज कही? ये भी कही बाल गंगाधर तिलक जी ने। बस तुसी याद रखियो, जिथे स्वराज की गल आ गई ना, उत्थे बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आऊगा। ओके, थोड़ा जहा एवं याद रखियो। उस तो बाद नैक्सट है, किन्ना नु लोकमान्य दे नाम तो भी जाना जाता सी? इहदा आंसर भी बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ओके, नैक्सट है, हू अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी? ये मैं थोड़ा पिछली वीडियो दस भी चुकी हैं, आंसर हैगा बी, दैट इज लाला लाजपत राय जी। उस तो बाद एक तो लाला लाजपत राय जी नूं पंजाब केसरी के नाम तो जाना जाता सी, एक होर नाम तो जाना जाता सी, उसी द लाइन ऑफ पंजाब, दैट इज शेरे पंजाब, द लाइन ऑफ पंजाब। ओके, उन्हें की बोलते सी? शेरे, लाइन शेर होंगे ना, शेरे पंजाब। ओके, तो एक होर गल, कई बार ये उपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि जेडे लाला लाजपत राय सी वो एडिटर सी केड़े केड़े न्यूज़पेपर्स दे। ओके, एडिटर ऑफ बंदे मातरम, नेक्स्ट है द पंजाब। ओके, ते लास्ट है द पीपल। ओके, ये याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर हिज यूनिक करेज एंड फाइटिंग क्वालिटीज हु अर्न द टाइटल बाघ? बाघ का टाइटल किन्ना नूं मिला हुआ सी? ए, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पेपर जर्नल दिते हुए हैं, तो उन्होंने फाउंडर या एडिटर के नाम पूछे हुए हैं, ठीक है, मैच करना है। ये मैं तुम्हें दस ही दिनी आंसर आऊगा बी, देख लेना एक बार। रश्ट गोफ्तर, रश्ट गोफ्तर किन्ना रिलेटिड है? दादा भाई नारोजी नाल। ओके, हूँ इन्हें तुम किमें याद रखोगे? मैं ना थोड़ी जी थोड़ी ट्रिक्स की हैल्प न याद कराने की कोशिश करती हाँ। देखो रश्ट गोफ्तर, ठीक है, इन्हों याद करोगे कि जेडे दादा जी ने वह की हो गए? रुष्ट हो गए, मतलब नाराज हो गए, ठीक है, एवें करके तुसी याद रख सकते हो। उस तो बाद नैक्सट है, अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका कि रिलेटिड है? सिसिर कुमार घोष जी नाल। ओके, सो तुसी ये याद रख सकते हो कि एक अमृता नाम की लड़की है, ठीक है, सिसिर नू लै लो सिस्टर, अमृता जो है वह सिस्टर है किन्ना दी? कुमार घोष जी दी, कुमार घोष जी दी। ओके, बस एक ट्रिक्स है, जिवें मर्जी याद रखो, क्योंकि एवं याद ही रहनी चीज़ा, अगर ट्रिक्स की हेल्प नाल याद करो तो हो जाती है। और तो बाद नैक्सट अपने को है इंडियन मीरर, इंडियन मीरर किन्ना नाल रिलेटिड है? दविंद्र नाथ टैगोर। ओके, देखो हूँ तुम रविंद्र नाथ टैगोर जी का नाम तो कोई नहीं भूल सकता, ठीक है, तो दविंद्र नाथ टैगोर जी हूँ तुम ऐ कह सकते हो कि जेडे दविंद्र नाथ टैगोर जी हैं तो रविंद्र नाथ टैगोर जी वो एक दूजे के मीरर इमेजिज हैं, ठीक है। सो एवं कुछ करके तुम याद रख सकते हो। और तो बाद नैक्सट है युगंतर, युगंतर की, युगंतर किन्ना नाल रिलेटिड है? बरिंद्र कुमार घोष। ओके, ये थोनों नाम एम याद करना पूगा, यदि मैंने कोई ट्रिक नहीं बनी मेरे तो। ओके, बस आ तिना के दसते तो एक तो याद हो ही सकता है। सो नैक्सट करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब? किन्ने वाली बुक लिखी सी? यदा आंसर हैगा डी, दैट इज भगवती चरण वोरा। ओके, नैक्सट है नॉवल आनंद मठ, आनंद मठ नॉवल किन्ना ने लिखी हुई है? यह मैं थोड़ा पहला भी दस चुकी हूँ बी, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। नैक्सट, हु रोड द बुक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ओके सो जी बुक है कि लिखी हुई है, ये लिखी हुई है बी, दैट इज दादा भाई नारोजी ने. नैक्सट है दादा भाई नारोजी ने लिखा सी डिटेल क्रिटिक ऑफ कि बारे उन्होंने अपनी बुक है ना जी जिद बारे आप गल की है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये इन्होंने दसा से कि ब्रिटिशर्स जोड़े हैं वो किस तरीके दे नाल इंडिया नू लुट रहे हैं. ठीक है कि किस तरीके नाल जो इंडिया का पैसा है वह ब्रिटेन दे विच जा रहा है. ओके सो इन्होंने किदी गल की सी ड्रेन ऑफ वैल्थ कि ब्रिटिशर्स ने एवें काम किया होया कि एक ड्रेन बना रखी है इंडिया ते ब्रिटेन दे विच ते उहदे थ्रू पैसा जिहड़ा है वह इंडिया तो ब्रिटेन दे विच भेज रहे ने. देखो जिमें ड्रेन दे विच पानी जांदा ना उस तरीके नाल ही उह कहिंदे सी कि ड्रेन दे विच ब्रिटिशर्स जिहड़े हैगे ने उह मनी इस तरीके नाल इन्नी ज़्यादा भेज रहे ने. ठीक है इंडिया तो ब्रिटेन. नैक्सट है हू रोड द बुक गीतांजलि. गीतांजलि कि लिखी हुई है ए रविंद्र नाथ टैगोर जी ने. ओके हूँ कुछ होर बुक्स के नाम देख लें जिद उपर पेपर च क्वेश्चन आ सकता है. सब तो पहला देखते हैं महात्मा गांधी जी ने कि बुक्स लिखी हुई हैं. ओके सब तो पहला हैगी है हिंद स्वराज एंड नैक्सट बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. ओके जिहड़ी यह है गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है. उस तो बाद एक बुक तुसी जवाहर लाल नहरू जी की भी याद रखनी है वो केड़ी बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ओके बाकी जिहड़े होर मेन बुक्स ने क्वेश्चन दे विच कवर हो गया इन्हों उपर नहीं आया ये विच सो ये याद रखियो इन्हों उपर आ सकता है. नैक्सट अपने को क्वेश्चन है किन्ना ने थियोसॉफिकल सोसाइटी नू फाउंड किया. यद आंसर है डी दैट इज मैडम ब्लेवेट्सकी एंड ऑलकॉट. हूँ ना कुछ आप होर ऑर्गनाइजेशन के बारे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने फाउंडर्स बारे पढ़ रहे हैं जिद उपर क्वेश्चन आते रहते हैं. सो सब तो पहला आप गल करते हैं ब्रह्मो समाज की. ओके ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन सी. राजा राम मोहन रॉय. ओके नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट. ये बेसिकली अपने को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है या ऑर्गेनाइजेशंस बोलो तो उन्होंने फाउंडर्स देख रहे हैं. ये सी हेनरी लुइस विवान रोजियो. ओके थर्ड है प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है. आत्मा राम प्रार्थना आत्मा. ठीक है तुसी ये तो याद ही हो सकता है आत्मा राम पंदुरंग. ओके नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं. फोर्थ है अपने कोल आर्य समाज. आर्य समाज के कौन है जिहड़े डीए विच पढ़े होंगे उन्होंने पक्का पता होगा दयानंद सरस्वती जी. दयानंद सरस्वती जी. ओके देखो दयानंद सरस्वती जी ने ही एक स्लोगन दिता से उहदे उपर भी कई एग्जाम्स दे विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे गो बैक टू वेदास. गो बैक टू वेदास. ओके नैक्सट गल करते हैं आप राम कृष्ण मिशन की. राम कृष्ण मिशन. ओके जिहड़ा ये मिशन से इहदे फाउंडर से विवेकानंद स्वामी विवेकानंद. ओके तो कई बार ना ये भी पूछ लेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम की सी. नरेंद्र नाथ दत्त. नरेंद्र नाथ इत स्वामी भी लिख लें स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र नाथ दत्त. ओके नेक्स्ट है सिक्स्थ अलीगढ़ मूवमेंट. ओके ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आ दोनों भी इंपॉर्टेंट है. अलीगढ़ मूवमेंट दे फाउंडर कौन है. सैयद अहमद खान. सैयद
अहमद खान। ओके, उस तो बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैं थोनों दस दिता। नैक्सट सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सैवंथ है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके, ये फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले भी बोलते हैं ना, गोपाल कृष्ण गोखले। सो ये अपने को सैवन मेन ऑर्गेनाइजेशन से तो उन्होंने फाउंडर्स इन्हों नाम तुम याद रखने हैं। हम नैक्सट क्वेश्चन पर वापस आने हैं। रामकृष्ण मिशन किन्होंने फाउंड किया? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमानंद या एनी बिसंट। ये मैं थोड़ा उन्हें दस के चुकी हूँ कौन है, स्वामी विवेकानंद जी। ओके, नैक्सट क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ मूवमेंट के बारे भी मैं तुम दसा कि फाउंड की सर सैयद अहमद खान जी ने। नैक्सट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर इज एसोसिएट विद एबोलिशन ऑफ सती, सती प्रथा न खत्म कराच कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? दैट इज राजा राम मोहन रॉय। नैक्सट है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये ऑथर कौन सी? ये एज अ फैक्ट याद रखना है। आंसर है बी, भारतेंदु हरीश चंद्र। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते एग्जाम। नैक्सट है, एस्ट्रिक क्रिश्चैनिटी इज फेमस वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? ठीक है, किन्ना का वर्क है? डी, दैट इज एनी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अ सीरीज ऑफ आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग मॉडर्न पॉलिटिक्स किन्ना ने ऑथराइज की है? ये की है डी, दैट इज अरबिंदो घोष जी ने। उस तो बाद क्वेश्चन है, वट इज कॉमन अमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी? इन्हों विच की कॉमन है? देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे तो मैं दसा से ना कि काकोरी कॉन्सपिरेसी दे नाल रिलेटेड है। उत्थे मैं तुहानू ट्रिक भी दसी सी कि प्रसाद च की मिली कचोरी। ओके, सो ये दोनों लीडर्स भी रिलेटेड है किदे नाल? डी, दैट इज काकोरी कॉन्सपिरेसी केस दे नाल। लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री सीरीज का, वेयर वॉज लाला लाजपत राय डिपोर्ट विदाउट ट्रायल इन 1907? जो उन्होंने कितने डिपोर्ट किया गया सी, ये आंसर याद रखना है, ये आंसर हैगा बी, दैट इज मैंडले। ओके, सो अज के लैक्चर च फाइनली अपन अपनी हिस्टरी को मुकाती। ठीक है, देखो मैं थोड़ा यही कहूँगी कि अच्छे तरीके नाल ये सीरीज़ नू देखो, जो चीज़ नहीं समझ आई वीडियो नू दोबारा तो देखो। ठीक है, काफ़ी थोनों हद तक जिन्हें भी तुसी पेपर देने हैं, चाहे तुसी पीपीएससी का एग्जाम देना है या पंजाब का कोई होर पेपर देना है, तुसी चाहे एसएससी का पेपर देना है, ठीक है, यूपीएससी का देना है, हर एग्जाम च ये जिहड़ी सीरीज है थोनों बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाऊगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हुण मिलांगे नैक्सट सीरीज दे नाल, मे बी आपां करंट अफेयरस करिए या इकनोमिक्स करांगे। ओके, सो अज दे लई इन्ना ही, अच्छे तरीके नाल अपनी तैयारी करदे रहो। थैंक यू सो मच।